नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जब टैली में स्टार्ट किया था, मैंने आपको टैली के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, प्लस मैंने बताया था कि टैली का फुल फॉर्म क्या होता है और टैली का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। आज हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ टैली, यानी टैली कब से रिलीज किया गया है और कहाँ तक लास्ट इसका वर्जन इस्तेमाल किया गया है, यानी टैली का हिस्ट्री और वर्जन दोनों जानेंगे। यहाँ पे आपने देखा हिस्ट्री ऑफ टैली, टैली का डेवलपमेंट किया गया था 1988 से लेकर 2020 से, इस समय जो लास्ट ईयर चल रहा है 2020 तक की सीरीज में जो भी जितने भी वर्जन आए हैं ये सब आपके सामने रहेंगे। सबसे पहले 1988 से लेकर 1993 के बीच में सबसे पहला वर्जन इन्होंने रिलीज किया था, जिसका नाम था टैली 4.0, जो मैंने खुद को ऑपरेट किया था, टैली 4.0 था। लेकिन जब कंप्लीट वो डेवलप करके इस्तेमाल किया गया, इसका नाम होता है 4.5। ये डॉस बेस पैकेज था। डॉस बेस का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट, एक ब्लैक एंड व्हाइट सॉफ्टवेयर था, ठीक है, जिसपे हम इस्तेमाल कर सकते थे, केवल ब्लैक एंड व्हाइट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते थे। उस समय का टैली भी ब्लैक एंड व्हाइट होता था, जिसमें केवल हम सिंपली केवल अकाउंट का काम कर सकते। अकाउंट का मतलब होता है केवल लेन देन कर सकते थे, खरीदना यानी सेल परचेज, बस ये सिंपली काम कर सकते थे, स्टेटमेंट मिला सकते थे। जब ये टैली रिलीज किया गया तो इससे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हुआ अकाउंटेंट लोगों को, कि किसी पार्टी का हिसाब मिलाने लोगों को काफी आसान हो गया, ठीक है। तो सेकंड सीरीज इन्होंने डेवलप किया, बेस हमारा वही 1988 से लेकर 1998 के बीच में इन्होंने सेकंड सीरीज लेकर आया, जिसका नाम रखा गया था टैली 5.0। कंप्लीट जब रिलीज हो गया है इसका नाम रखा गया 5.4। ये विंडोज बेस्ड था, उस समय ग्राफिकल बेस आया था, वो 1988 में आपका विंडोज आया था। उसी समय अकाउंट के साथ इन्होंने क्या जोड़ दिया, स्टॉक। स्टॉक का मतलब हो गया कि अब हम अकाउंट के साथ स्टॉक भी कर सकते थे, जो हम भाई कितना मैंने गुड्स को सप्लाई किया, गुड्स को सप्लाई करने पर हमारे गोडाउन में क्या रिकॉर्ड्स है, कौन सा पीस बन, कितना पीस बचा हुआ, कितना पीस हमारे पास एक्सपायर होने वाला, क्या उसका बैच नंबर है, क्या उसका मैन्युफैक्चर डेट है, ऐसे डिटेल्स रिकॉर्ड्स जानकारी करने के लिए ये वर्जन इस्तेमाल किया गया। इसका नाम था 5.4। ये बहुत जबरदस्त चला था उस समय, ठीक है। फिर कंपनी ने फिर अपडेट किया। अगला 1988 से लेकर सन 2001 में टैली 6.3 वर्जन लेके आया, ये भी विंडोज बेस्ड था। इसमें अकाउंट को ऐड किया गया, स्टॉक को भी ऐड कर लिया गया, प्लस इसमें इंटरनेट की सुविधा उस समय आ गई थी, 1900 सन 2001 में ही उसमें इंटरनेट की सुविधा आ गई थी। इसका नाम था 6.3। तो ये वर्जन में जब इंटरनेट की सुविधा आ गई थी, यानी आप ऑनलाइन काम कर सकते थे। ऑनलाइन का मतलब होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप ऑनलाइन सेंड कर सकते थे, मेल कर सकते थे, टैली पे रिपोर्टिंग कर सकते थे ऑनलाइन। ये सारा काम 6.3 सीरीज में ही आ चुका था उससे। उनके बाद 1988 से लेकर सन 2005 के बीच में 7.2 आया। जब 7.2 आया, जैसे आज जीएसटी का मारा मारा स्टार्ट हुआ था, उस समय सन 2005 में, ठीक है, एक नया सीरीज लेकर आया जिसका नाम था 7.2। जब वो सीरीज आया था तो उसमें क्या भाई, अकाउंट उठाई, स्टॉक जुड़ गया था, इंटरनेट आ गया था, प्लस उसमें टैक्स को जोड़ दिया गया था। यानी पहले टैक्स मैनुअल की जाती थी, लेकिन उस समय हम टैली द्वारा टैक्स मेंटेन करना आ गया। तो उस समय जो टैक्स रिलीज किया गया तो उसका नाम था वैट, वैट टीडीएस एंड सर्विस टैक्स। ऐसे टैक्स को उसमें ऑनलाइन किया गया था, नहीं टैली के माध्यम से किया गया था, जिसके टैली के माध्यम से उनको आसानी से मेंटेन कर सकते थे। तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल ये हुआ था, जैसे आज जीएसटी के मारा मारी था, उस समय सन 2005 में वैट की ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। फिर कंपनी ने 1988 में लेकर सन 2007 के बीच में 8.1 सीरीज चलेगा गया, ये भी विंडोज बेस है, ठीक है। इसमें इस्तेमाल किया गया था लैंग्वेज, यानी सभी के साथ उसमें क्या जुड़ गया था, लैंग्वेज, यानी टैली में किसी भी भाषाओं में टैली में अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, तेलुगु, उर्दू, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज में चाहेंगे उस लैंग्वेज में टैली अकाउंट मेंटेन कर सकते थे। ये सीरीज आया था आपका टैली 8.1। अगेन 1988 से लेकर सन 2009 के बीच में टैली 9.0 आया, ठीक है, विंडोज बेस है। यानी ये सारा सीरीज साथ उसमें जुड़ गया पेरोल। पेरोल का मतलब जैसे आप सैलरी रिपोर्ट आप बनाते हैं, सैलरी रिपोर्ट हम किसी एम्प्लॉय को डीए, एचआरए, पीएफ, ईपीएफ कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इन चीज को मेंटेन करने के लिए टैली रिपोर्ट जनरेट किया, जिसका नाम है पेरोल। इसमें आसानी से कई सारे एम्प्लॉयों को एक साथ पेरोल रिपोर्ट मेंटेन, यानी सैलरी रिपोर्ट मेंटेन करने का बहुत बेस्ट तरीका इस्तेमाल किया गया, जिसका नाम है पेरोल। फिर 1988 से लेकर सन 2011 के बीच में टैली ईआरपी 9 आया, ठीक है। ईआरपी का मतलब होता है इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लान। ये वर्जन सीरीज रिलीज किया गया,
जिस जो आपने इसमें सारा चीज ऐड करने के साथ उसमें ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइलिंग सुविधा आ गई थी, यानी आप वैट उसमें था, वैट को ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते थे, टीडीएस को ऑनलाइन फाइल कर सकते थे एंड सर्विस टैक्स को ऑनलाइन फाइल कर सकते थे टैली के माध्यम से। ये सर्विस था आपका 9.0 में। उनके बाद काफी गैप हुआ, काफी गैप के बाद 1988 से लेकर सन 1 जुलाई सन 2017 में टैली ERP 9 6.0 सीरीज आया, ठीक है। ये विंडोज बेस्ड सीरीज था और उसमें क्या आया, जीएसटी आया था, यानी 1 जुलाई सन 2017 में 6.0 सीरीज में टैली आया था, जीएसटी आया था। जीएसटी एक ऐसा आज तक से देख रहे हैं कि कोई भी काम हमें करना हो आज बिना जीएसटी का कोई भी लिमिटेड हम नहीं पास कर सकते हैं। अगेन उनके बाद 1988 से लेकर 1988 से लेकर 1 जुलाई सन 2017 में, ठीक है, सन 2018 में टेली ERP 9 6.4 आया, ठीक है। टेली ERP 9 6.4 आया जो विंडोज बेस्ड है, उसमें जीएसटी के साथ ईवे बिल को जनरेट किया गया। ईवे बिल हो गया यानी हम 50,000 से ऊपर कोई भी लेन देन करेंगे तो वो बिल इलेक्ट्रॉनिक बिल कहलाएगी, यानी वो केवल ऑनलाइन बन सकती है, ठीक है। ये सीरीज डेवलप किया गया टेली 6.4 में। उनके बाद 1988 से लेकर 1/4/2019 में लास्ट सीरीज में, यानी इस साल जो साल अभी खत्म हुआ है, 1 जुलाई टेली ERP 9 6.5 आया। उसमें ये सभी फीचर्स के साथ कुछ एडवांस फीचर्स भी ऐड किए गए, इसमें टेली में ऑपरेटर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई या कोई नए फीचर्स ऐड भी कर सकता है। ये थे टेली की हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ टेली। अगर स्टूडेंट्स ये सीरीज आपको समझ में आया है और अच्छा लगा हुआ है तो चैनल्स को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।